Hey, how are you friends? Welcome back to my channel. I hope आप सब एकदम बढ़िया होंगे और रोज प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, दैट्स व्हाई मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। पर आपसे बैक टू बैक वीडियोज आएंगे। एक न्यू स्टार्टिंग करते हैं मेरी न्यू टेबल के साथ। मेरी पुरानी वाली टेबल दूसरे कमरे में शिफ्ट हो गई है, तो आपसे इसी पर पेंटिंग करूंगी। तो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं ब्रश टू ब्रश के बारे में बताऊंगी। ये मैंने अमेजोन से मंगाए हैं। अगर आपको इसको बाय करना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप इसको वहां से ले सकते हैं। तो इसको अब ओपन करती हूँ। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बढ़िया सा कमेंट कर दो। तो ये ओपन हो गया है और ये है ब्रस्टो मॉप नेचुरल हेयर ब्रश। ये ब्रश नेचुरल हेयर से बने हुए हैं, पर नेचुरल हेयर का मतलब ये नहीं है कि इंसानों के हेयर से बने हुए हैं। एक्चुअली ये गॉड के हेयर से बने हुए हैं और ये मुझे 1069 रुपीज का मिला है। ये थोड़ा कॉस्टली है, बट जैसे कि मैंने बताया कि नेचुरल हेयर से बने हुए हैं और नेचुरल चीज तो आपको पता है महंगी तो होती ही है। अब बात करें इनकी साइज की, तो ये 0, 2, 4 and 8 नंबर्स के हैं। मैं 1 by 1 निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये 8 नंबर का ब्रश है और इसका वॉल्यूम काफी है। कहने का मतलब है कि काफी थिक है। इससे क्या फायदा है कि इसमें कलर एब्जॉर्प्शन बहुत होगा, जिससे हमें बार बार कलर लेने की जरूरत नहीं होगी। तो अब दूसरे ब्रश को खोलते हैं। ये 4 नंबर का ब्रश है और इसकी डेंसिटी भी काफी है और ये आगे से एकदम पतला है। अगर हमारी पेंटिंग स्किल अच्छी है तो हम इसी से बहुत बारीक काम में ले सकते हैं, जैसे हेयर ड्रॉ करने में। इसी तरह बाकी दोनों ब्रश भी बहुत ठीक है। अब मैं बात करूँ मजबूती की और कंफर्ट की, तो ये आगे से तार से बहुत मजबूती से बंधा हुआ है। ये काफी टाइम तक चलेगा और ये हाथ में भी काफी कंफर्टेबल है। ये डिजाइन इसी तरह से किया गया है कि आगे से पीछे से पतला और बीच से मोटा, ताकि पेंटिंग करते वक्त हमारा हाथ ना दुखे और हम लोग लॉन्ग टाइम तक आराम से पेंटिंग बना सके। तो अब बात करते हैं कि हमें ये बाय करना चाहिए या नहीं। तो इनकी थिकनेस काफी अच्छी है, हैंडल की क्वालिटी भी अच्छी है, मजबूती भी है और ब्रश के सारे हेयर एकदम सीधे हैं, जिससे हमारी पेंटिंग खराब होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर ब्रश के हेयर आधे तिरछे हो तो पेंटिंग में क्लैरिटी नहीं आती है। और ये हाथ में भी कंफर्टेबल है तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप वाटर कलर लवर हैं, देन यू शुड बाय इट। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली है, बट पर ये भी तो सोचिए, जहाँ आप 4 लोकल ब्रश खराब करोगे वहाँ ये एक ही खराब होगा। तो सोचिए मत, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चाहे तो डायरेक्ट वहाँ से खरीद सकते हैं। तो बस आज की क्लास यही खत्म होती है। आपसे फिर मिलूंगी किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।